हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। आज मैं आपको बनारस के श्रीलंकन टेम्पल का शेयर करवाने वाली हूँ। आज मैं पहुँची हूँ बनारस के उस टेम्पल में जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने दूसरी बार ज्ञान का प्रसार किया था, यानी कि अपने शिष्य को ज्ञान दिया था। पहली बार उन्होंने गया में दिया था और दूसरी बार बनारस के इस जगह में अपने ज्ञान का प्रसार किया था, यानी कि अपने शिष्य को उपदेश दिया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको यह स्पेशल जगह। इसके जो परिसर है, मंदिर के आसपास का जो जगह है वो इतना अच्छा है। पार्क बना हुआ है, इतनी हरियाली है, बैठने के लिए जगह 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 बनाए हुए हैं, शू स्टैंड है और बहुत ही सुंदर से इस जगह को सजाया गया है। तो मुझे यह जगह बहुत अच्छा लगा। मंदिर के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर रोज पहुँचते हैं। नए शादीशुदा कपल होते हैं वो जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी घूमते हैं। तो यह एक टूरिस्ट प्लेस है, कोई भी यहाँ जा सकता है घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह है। टेम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नक्काशी की हुई है। पत्थरों के ऊपर अलग काम किया हुआ है और चित्रकारी अलग किया हुआ है। सब देख सकते हैं कि पुराने टाइम में जिस तरह से राजा महाराजा रहते थे, साधु संत रहते थे, जैसा पुराना जीवन शैली था, उस सभी शैलियों को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद इसके साथ और भी कई चीज़ें हैं। इस मंदिर के साथ ही और भी एक दो मंदिर हैं, छोटे छोटे हैं, जिसका भी एक अलग महत्व है। पहले मंदिर में तो आपने देखा कि यहाँ पर इनकी प्रतिमा रखी हुई है, यहाँ पे पूजा की जाती है। और यहाँ से इसके बाद हम चल रहे हैं एक छोटे टेम्पल के ओर। इसमें आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध बीच में बैठे हुए हैं और इनके जो शिष्य हैं ये चारों तरफ बैठे हुए हैं और महात्मा बुद्ध इन्हें ज्ञान दे रहे हैं और उनके शिष्य इनके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ घूमने के बाद मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मुझे और भी कई जगह जाना है, और भी ऐसे कई टेंपल हैं देखने लायक जो हमें दिखाएंगे। यहाँ पे जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक गाइड मिल जाएंगे, अपने आप ही गाइड मिल जाते हैं। वो आपसे कुछ पैसे आप उन्हें देंगे, 100 या 50 या 200, जैसा भी आप अपनी इच्छा से कुछ भी उन्हें दे देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्या घूमने वाली जगह है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो घूमने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
यहाँ मैंने ऑटो लिया है और हमारा गाइड भी साथ में जा रहा है, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ से घूमने के बाद मैंने आपको बताया था कि मेरा गाइड हमें जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो रास्ते में इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सिल्क साड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बड़ी सी दुकान है जहाँ पे हाथों से साड़ी में काम किया जाता है, हाथ से साड़ी के एक एक धागे को जोड़कर हाथ से साड़ी को तैयार किया जाता है, यानी हथकरघा मशीन जिसे बोलते हैं, इस मशीन पर तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी सी सिल्क साड़ी की दुकान है और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ले गए हैं, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं लगी हुई हैं दुकानों में, और यहाँ पर काम भी चल रहा है, साड़ी यहाँ पर तैयार किया जाता है, इसी तरह से खुद तैयार करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारीगर काम कर रहे हैं, धागा में एक एक धागा पीरो कर साड़ी को तैयार कर रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो मैंने इसे भी शूट किया क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी पहले, और मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। शॉपकीपर मुझे साड़ियाँ दिखा रहे हैं और देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है मतलब पूरा दुकान ही खरीद ले। मतलब एक औरत का मन तो जानते ही हैं आप कि मतलब हमारा मन होता है कि हम सब चीजें ले लें, बट मुझे एक ही साड़ी लेना है। मेरे हस्बैंड ने एक साड़ी की परमिशन दी है और एक मैं अपने मदर इन लॉ के लिए, दो ही साड़ी मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पर साड़ी ले रही हूँ। और वहाँ से बना यहाँ जमा होता है, शहरों में जाने का टैक्स वगैरह लगता है, टैक्स चले टैक्स नहीं होता है। अच्छा, ये सर गवर्नमेंट है। तो मैंने अपने लिए ये ग्रीन साड़ी ली है, मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने कहा मुझे ये दे दीजिए। यहाँ पर जो रेट है साड़ी की, बाहर जो रेट है वही रेट यहाँ भी है, पर इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर हो सकता है कि ये क्वालिटी बाहर मिले तो उसका रेंज थोड़ा ज़्यादा मिले, और यहाँ पर जो भी रेट ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने 2500 की ये साड़ी ली है और मुझे लग रहा है कि बाहर भी यही रेट है, बट चीज बहुत अच्छा है। अगर आप बनारस घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक सी बनारसी है, बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है मेंटेन। मतलब बनारस मेन जगह, मतलब सिल्क का मेन जगह वही है, तो वहाँ पे तरह तरह की वैरायटीज आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद बनारस के पार्ट 4 अपलोड कर रही हूँ, तो जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए, पी रहिए, पॉजिटिव एंड टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।